कोविड-19 से मृत परिवारों के आश्रितों को विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत करवाए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आम आदमी पार्टी के द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने वालों के प्रत्येक परिवार में आश्रितों को 1,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई थी, किंतु स्थानीय कार्यालयों में कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पीड़ित परिवारों के सदस्य कार्यालयों के चक्कर लगाकर निराश होकर लौट रहे हैं। कोई भी अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उनका आने जाने का खर्च एवं समय दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। इसके संबंध में अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा भी आपको लिखित में अवगत कराया गया है, किंतु कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सागर और क्षेत्रीय संगठन सचिव नवीन कुमार अग्रवाल का कहना है कि पीड़ित परिवारों हेतु तुरंत स्पष्ट आदेश जारी करवाने का कष्ट करें, ताकि पीड़ित परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध हो सके। आपने देखा है कि पिछले वर्ष 22 मार्च से लगातार 22 मार्च 2020 से प्रदेश के साथ ही पूरे देश में पूरे विश्व में एक लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां निर्मित हुई और कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। इस कोरोना महामारी में काफ़ी व्यापारी हो व्यवसायी हो सभी आमजनों ने अपने परिजनों को खोया है और बहुत सारी परेशानी हुई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान ने, जो कि घोषणावीर मुख्यमंत्री के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने 20 मई को एक घोषणा की थी और वो आम जन के लिए थी कि कोई भी कोविड-19 के कारण अगर उसकी डेथ होती है तो उनके परिवारों को 1,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस संबंध में जब हमने कुछ लोगों से आवेदन लेके और आवेदन सबमिट करने के लिए हमारे बालचंद जी वर्मा साहब खड़े हैं, इनको एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में हमने कलेक्टर साहब के पास भेजा था, तो कलेक्टर साहब ने मयंक जी अग्रवाल ने स्पष्ट मना किया था कि इस संबंध में अभी तक कोई आदेश नहीं आए। और भी हमने कार्यालय से दूसरी जगह भी दूसरे जो जिले हैं उससे तलाश किया, तो इस संबंध में मुख्यमंत्री जी के यहाँ से प्रदेश स्तर पर कोई भी आदेश आज तक नहीं आया है। तो आप देखें कि जब 20 मई को उन्होंने घोषणा कर दी है तो क्या कारण है कि आज करीब 2 महीने निकलने के बाद भी उस घोषणा को मूर्त रूप नहीं दिया गया है। और ये एकमात्र कोरोना के कारण जो एक योजना थी वो आमजन के लिए सिर्फ एक ही योजना थी और उसमें 1,00,000 रुपए देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, लेकिन अभी तक उसी संबंध में आज हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन इसी मांग को लेकर तहसीलदार अजय जी हिंगे को कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में हमने दिया है और मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि यहाँ जितने भी लोग पूरे प्रदेश के साथ ही नीमच जिले में जितने भी कोविड-19 से दिवंगत हुए हैं उनके परिवारों को 1,00,000 रुपए अनुग्रह राशि दी जाए। और जो ये आपकी घोषणा थी हमने स्पष्ट उसमें मांग की है कि कोरोना पीड़ित परिवारों से जो दिवंगत हुए हैं उनको दिल्ली सरकार 5,00,000 रुपए सभी को दे रही है और समान रूप से दे रही है। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी 5,00,000 रुपए कोरोना से जो दिवंगत हुए हैं उनके परिवारों को दी जाए। इसी बात को लेकर आज हमने यहाँ पे सांकेतिक धरना दिया है और इसको एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से माननीय अजय जी हिंदे को सौंपा है।